धंधा प्रदर्शन किया जा रहा है और कल करने के साथ साथ एक बड़ी आम सभा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। उस आम सभा में तमाम गंगापुर क्षेत्र के सब पक्ष वाले लोगों को, सब जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। अब सरकार से अनुरोध करेंगे गंगापुर जिला जो बहुत पहले से गंगापुर जिला बनने के जिला बन जाना चाहिए था, जब गंगापुर को मौका नहीं मिला, अब जाकर के गंगापुर को मौका मिला है, अब गंगापुर जिला बना है और कलेक्टर एसपी वहां पर बैठने लगे हैं। लेकिन सरकार ने षड्यंत्र रच करके हमारे एसपी का ट्रांसफर कर दिया और उसका चार्ज जो एडिशनल एसपी को दिलाना चाहिए था वो एडिशनल एसपी को नहीं दिला करके सवाई माधोपुर एसपी को दे दिया और उसकी गाड़ी को भी कंट्रोल रूम में वहां जयपुर बुला लिया। इससे हम लोग आशंकित है, पूरे जिले वाले जिलेवासी आशंकित है कि गंगापुर जिले के विरुद्ध में कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है। गंगापुर जिले को ये सरकार खत्म करना चाहती है। ये गंगापुर जिले के लोगों को मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आप वधारे, बड़ी संख्या में आप लोग आए और गंगापुर को राइट ले लेने को गंगापुर जिले के तमाम जो 36 कौम के 36 प्रांतों के जो लोग हैं वो सब में इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश है। लगातार हम लोग पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और आज भैर साहब और मैं लगभग नादौती के कोई 25 से 30 गांवों में हम लोग गए हैं और उनसे अनुरोध किया है कि आप कल ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में गंगापुर को बुला रहे हैं, आम सभा को सफल करें और हम सरकार से इतना ही चाहते हैं कि जो जिला बन गया और पूरी तरीके से मापदंडों को पूरा करने के बाद होता है उस जिले से छेड़खानी नहीं करें। इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। ये जिला जो बना है ये मापदंडों को तय करने के बाद में बना है। इसमें 36 गांव के लोग, सब राजनीतिक पार्टियों के लोग एकजुट होकर के इस बात के पक्ष में है कि गंगापुर जिला यथावत रहना चाहिए और नादौती के बासिंदों से तो मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोगों का राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से गंगापुर से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कल आप भारी तादाद में आकर के और आम सभा को सफल बनाएंगे और जिले की हमारी जो गोइंग में उसको वो आवाज हमारी सरकार तक पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे। इसी अनुरोध के साथ में मेरी बात समाप्त करता हूँ। आप भैर साहब, आपको कोई दो शब्द बोलेंगे, धन्यवाद।